फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो सिलाई की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। फ्रेंड्स ये डिजाइन जो है 3 के मल्टीपल आप लेंगे फंदे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल ये यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 15 फंदे हमने टोटल लिए हैं और 3 के मल्टीपल इसमें एज भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है फंदे डाल लीजिए, बॉर्डर बना लीजिए। फंदे वगैरह बढ़ाने हो तो बैक साइड से इसे आप बढ़ा सकते हैं। और देखिए बच्चों के स्वेटर में, जेंट स्वेटर में ये बहुत ही डिजाइन प्यारी सी बनकर आएगी। ब्लैंकेट वगैरह बनाना चाहते हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल ये 2 सिलाई की डिजाइन है फ्रेंड्स। और डिजाइन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड देखिए रो 1 है, राइट साइड है, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए 1 फंदा हमने सीधा बुना और ये 2 फंदा है ना, देखिए यहाँ से हमें 1, 2 ये 2 फंदा जो है इसको हम देखिए यहाँ से ऐसे 2 फंदों का 1 करेंगे, लेकिन इसे हम स्लिप करके फिर आगे का जो ये वाला है ना फंदा, इसे हम ऐसे नीडल्स पर ले लेंगे और 1 फंदे में इसे बुनाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यही 3 फंदे आपको राइट साइड में जो है फर्स्ट रो में रिपीट करने हैं। देखिए 1 फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर इसके बाद देखिए ये 2 फंदा है ना, 1, 2 ऐसे बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को देखिए स्लिप करना है, फिर आपको ऊपर से ऐसे जो फर्स्ट वाला लूप है ना इसको ले लेना है और इसमें हम दोबारा बुनाई करेंगे। तो हमारे फंदे भी कम नहीं हुए और बुनाई भी हो गई। फिर देखिए ये सेकेंड 1 फंदा बुनेंगे, फिर देखिए ये 2 फंदा लेंगे ऐसे बैक लूप से इस तरीके से और ये स्लिप करेंगे और ये देखिए ऊपर वाला फंदा इसको हम ऐसे बुनाई कर लेंगे। फिर देखिए 1 फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदा में हम एक बार बुनाई करेंगे और स्लिप करेंगे, ऊपर से ये जो है लूप लेंगे इसको हम बुन लेंगे। फिर देखिए 1 फंदा ये है, इसको हम सीधा बुनेंगे, साइड का स्टिच से इसको बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गया है। सेकेंड रो है, बैक साइड है, फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं और देखिए 1 फंदा हम बुन लेंगे। जैसे सेम पैटर्न वही है लेकिन ये उल्टा में बुनना है। अब ये 2 फंदा है ना, देखिए ये 1, ये 2 फंदा हमने बुन लिया। अब जो ये फंदा है ना, देखिए 1 फंदा ये और ये फंदा, ये साथ में 2 फंदा बुनाई करेंगे, इसे ड्रॉप करेंगे और ये ऊपर से लूप ले लेंगे, इसको बुनाई कर लेंगे। फिर देखिए 1 फंदा उल्टा, ये 2 फंदा ऐसे बुनेंगे, फिर ये ड्रॉप करेंगे, ऊपर वाला लूप लेंगे, इसमें हम बुनाई करेंगे। फिर देखिए 1 फंदा उल्टा, फिर ये 2 फंदा में ऐसे बुनाई करेंगे, फिर इसे ड्रॉप करेंगे, फिर लूप ऊपर वाला लेंगे और इसमें हम बुनाई करेंगे। फिर देखिए 1 फंदा उल्टा, ये 2 फंदा है, इसमें देखिए 2 में 1 करेंगे और ये ऊपर वाला लूप ऐसे लेंगे, इसको बुनाई करेंगे और 1 फंदा उल्टा, ये साइड का स्टिच है। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये अभी हमारा ये 2 रो कंप्लीट हुआ है। अब यही आपको रिपीट करना है, तो एक बार आपको रिपीट करके पूरी डिजाइन दिखाते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा, अब देखिए ये 2 फंदा है ना, 2 फंदा में इस तरीके से हम बुनाई करेंगे, इसे ड्रॉप करेंगे, ऊपर वाला लूप लेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। देखिए फिर देखिए 1 फंदा सीधा और ये 2 फंदों में हम देखिए इस तरीके से 1 टाइम बुनाई करेंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर इसे लूप लेंगे और इसको बुनाई कर लेंगे। फिर देखिए 1 फंदा सीधा, ये 2 फंदों में देखिए बैक लूप से 1 टाइम बुनाई करेंगे, फिर इसे लूप लेंगे और इसको ड्रॉप करेंगे। फिर देखिए 1 फंदा सीधा, 2 फंदों में देखिए इस तरीके बुनाई करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ऊपर से लूप लेंगे और बुनाई कर लेंगे। लास्ट में हमारे ये 2 फंदा हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से रिपीट करते जाना है। देखिए हल्की हल्की डिजाइन बनने लगी है, कम से कम 4 से 5 सिलाई आप जब बना लेंगे
तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। और फ्रेंड्स, आपको हमारी ये डिजाइन अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।